नमस्कार काका, आपका अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में स्वागत है और आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम आज बैठे हैं बम्बई सर्वोदय मंडल की इस बहुत सुंदर सभागृह में, जहाँ गांधी जी और विनोबा और जेपी पे एक प्रदर्शनी लगी है। तो सुमैया जी, आपकी सबसे पहली बचपन की या जवानी की क्या याददाश्त होगी अहिंसा के असूल या उसके अनुभव की? बचपन से ही मालूम नहीं था क्या था, पर अंदर से कुछ ऐसा लगता था। जब गरीबों को देखता था मैं, तब मुझे लगता था कि ये गरीब क्यों है और हमको इतना ज्यादा मिल रहा है, तो ये कहाँ से आता है, क्या आता है। छोटा था बचपन में, तो ज्यादा तो कुछ एनालिसिस नहीं कर सकता था, मगर फिर थोड़ा बड़ा हुआ तब पढ़ा, जब पढ़ते रहा तब अच्छा लगा। और जब ये लगा कि नहीं है, तो भी गांधी जी ने खादी का प्रयोग उस समय करते थे, खादी का पहले, तो जब मैं छोटा था तब फिर पता चला कि नहीं, ये तो गांधी जी खादी क्यों कहते हैं। खादी वस्त्र के लिए ये था गांधी जी का कि भाई, जो गरीबों को रोजी रोटी मिलती है उससे ज्यादा, क्योंकि लोगों को गरीबी इसलिए भी है कि उनको कोई काम धंधा नहीं है, और हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे पास है, और इसका इस्तेमाल भी कम करते हैं मगर संग्रह करके हम रख देते हैं। तो मैं बचपन से थोड़ा सा ये था कि क्या करें, तो फिर मैंने गांधी जी का ये मुझे पता पसंद आया कि खादी कई लोगों को रोजी रोटी दे सकता है गांव में बैठकर, जब उनके पास खेती का समय नहीं है तब फिर करते हैं। तो मुझे भी वो बचपन में हिंसा अहिंसा ये सब कुछ का तो ख्याल नहीं आता था, मगर ऐसा लगता था कि ना गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, वो करता था। इसलिए फिर मैंने ये रास्ते में ये थोड़ा सा खादी भी पहनना शुरू किया, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना कम कर दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं होता था मगर होता था। तो बचपन में ही मैं भी क्या मालूम नहीं है कैसे भी कुछ गांधी जी का आकर्षण ज़्यादा था, फिर गांधी जी को पढ़ने लगता था, तो मैं खादी का तो इस्तेमाल किया करते रहा। आखिर मैं कॉलेज में गया तब भी मैं खादी का भी वस्त्र पहन के मैं जाया करता था, मगर उसकी फिलोसॉफी ज़्यादा तो मालूम नहीं थी, मगर थोड़ा थोड़ा जब बाद में पढ़ने लगा तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं, क्योंकि नहीं ये भी जिंदगी अच्छी नहीं है, पर पढ़ते तो रहते हैं, फिर नौकरी करना शुरू कर दिया, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद में कुछ काम करता था, तब भी दिल में कोई अच्छा नहीं लगता था मुझे, क्योंकि वो भी एक वहाँ पर कोई हमारी पैसा मिलता था, मगर हमारे सिद्धांतों पर मैं नहीं चल पाता था, इसका मुझे दुख भी होता था। इसलिए फिर कई 9 साल के बाद में मैंने वो नौकरी छोड़ दी, और फिर मैंने जो कुछ मेरा प्रोविडेंट फंड था उससे चलाना और मित्रों से मदद मांग के चलाने की मेरी इच्छा थी, तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके वो छोड़ दिया, क्योंकि वो भी एक नौकरी है और उसके जो हम कर नौकरी करते हैं उसमें कई लोगों को ज़्यादा पैसा भी मिलता था और गरीबों का शोषण भी ज़्यादा होता था, समानता का कोई सिद्धांत उधर नहीं चलता था, इसलिए वो भी छोड़ दिया। तो बाद में मैंने फिर गांधी का पढ़ने के बाद में नौकरी भी छोड़ दी और सर्वोदय का रास्ता लिया। तो सर्वोदय में उस समय विनोबा भावे का बुधान आंदोलन भी चालू था, उसकी विनोबा जी भी प्रत्यक्ष थे और उनका भी जीवन मैंने पढ़ा, वो भी गांधी जी के रास्ते के जैसे चले, गांधी जी भी का बैरिस्टर बने, काफ़ी पैसा कमाते थे, और ये सब पढ़ने के बाद में गांधी ने भी सारा ये छोड़ दिया था, और कपड़ा भी पहनना जरूरत से ज़्यादा नहीं पहनते थे। तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये है तो खादी का तो किया, पर वस्त्र पर भी थोड़ा सा कंट्रोल कम से कम मैंने रखने की कोशिश की, और खादी ज़्यादा पहनता था जिससे रोज़ रोजी रोटी मिले। तो जब हम फिर ध्यान में आया कि गरीब इसलिए है, सब हमारी जो पृथ्वी है उस पर इतना जरूर है कि सब लोगों को सरीखा मिल सके, खाना पीना रहने की व्यवस्था हो सकती है, पर कुछ लोगों को ज़्यादा
ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खरीदी करके अपने पास रखते हैं, गरीबों के पास पैसा नहीं है इसलिए वो ठीक से नहीं खाना खा सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, तो मेहनत भी उनको ज़्यादा करनी पड़ती है अपने जीवन निर्वाह के लिए, तो ये अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि चलो इसका प्रचार करने के लिए, गांधी विचारों का प्रचार करने के लिए, अरे गांधी विचारों का प्रचार कोई नई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में इसका भी अभी है। और गांधी जी ने फिर उसके बाद में मैंने एक किताब उनकी पढ़ी, मंगल प्रभात करके है, इंग्लिश में उसका नाम येरवडा जेल। तो येरवडा जेल में गांधी जी थे, तो आश्रम के लोगों को पत्र लिखकर वो हमेशा हर मंगलवार को लिखते थे, तो किताब का नाम भी मंगल प्रभात दे दिया। उसमें उन्होंने सारा ये 11 व्रत थे जो हम सबको पालन करना चाहिए, वो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर सम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन। तो ये जो गांधी जी के 11 जो व्रत है तो उस पर जितना अमल हो सके उतना अच्छा है। गांधी जी ने भी जिंदगी में जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल न करने का व्रत लिया था और वो जिंदगी भी उसी तरह के जी थे और सब कुछ में आ जाता है। तो ये नहीं है कि हम थोड़ा सा दान कर देते हैं कई लोग तो उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, पर वो उनके पास आया कहाँ से ये सब पैसा दान देने का, वो तो शोषण किया तब पैसा उनको मिला है और उसमें से वो लोग शोषण करने के बाद में थोड़ा सा दान दे देते हैं, तो उस दान का कितना महत्व रहता है। तो वो तो मुझे भी, मैं कह सकता हूँ कि शोषण करके दान करना यानी चोरी करने के बाद में हम थोड़ा सा दान करें वैसे ही उसका रास्ता हो जाता है। चोरी का मतलब ही अभी कानून की दृष्टि से तो नहीं होता है मगर गांधी जी की दृष्टि से जरूर से ज़्यादा इस्तेमाल करें और हम रखें, ये भी एक चोर की निशानी जैसा ही है। तो ये सब पढ़ने के बाद में मैंने इस विचारों का प्रचार करने के लिए मैंने सर्वोदय मंडल ज्वाइन किया और यहाँ पर जो हमारा गांधी बुक सेंटर है उस थ्रू और अन्य कार्यक्रम करते करते हमने गांधी विचारों का प्रचार करने के लिए अच्छा तो प्रचार होगा तो शायद उसमें से लोगों को कुछ प्रेरणा मिले पढ़ने के बाद में, जैसे मुझे मिले वैसे लोगों को भी प्रेरणा मिले और अपना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल न करें और जितना ज़रूरत है वो करें और शोषण कर जो हम करते हैं कम ज़्यादा वो हम कम करें, इसलिए मुझे लगा कि ये रास्ता अच्छा है। तो मैंने दुकान चालू की, इसमें किताबों का प्रचार करने लगा और मेरे जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव आते जाते रहता है। जब एटनबरो की गांधी फिल्म बनी तो मैंने सुना है कि आप रिगल सिनेमा के बाहर खड़े होकर अपने झोले से किताबें लोगों को बांटते थे कि बेचते थे, वो थोड़ा वो पूरा प्रसंग बताइए। जब गांधी फिल्म आई एटनबरो की तो रिगल सिनेमा में मैं मेरे घर के पास रिगल सिनेमा है तो उधर उसका था, तो मैंने पढ़ा और बार देखने गया मैं। जब मैंने देखा कि इसमें ये फिल्म बहुत अच्छी है और गांधी जी के बारे में काफ़ी कुछ, हम किताबें तो सब लोग नहीं भी पूरा पढ़ते हैं और जब प्रत्यक्ष जब हम देखते हैं कि एक आदमी का जीवन कैसा है, सत्य पर कैसे चल सकता है, तो मैं क्यों नहीं चलूँ, ये प्रेरणा मुझे लगा कि हम ये अच्छी लोगों को मिलेगी और मुझे भी थोड़ा सा जो मिला था जिसके कारण मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी L&T में था और मैंने भी अपना सिंप्लिसिटी के लिए काम किया। तो ये फिल्म आई जो तो वो भी गांधी जी के जीवन के बारे में बताती थी, तो मुझे लगा कि ये अच्छी फिल्म है तो गर्व करे। और वो इतना देखने के बाद में और जब फिल्म देखने के बाद में बाहर लोग आते थे तो उनको थोड़ा सा गांधी की इफेक्ट तो होती थी, ऐसा मुझे भी क्या कर, मेरे साथ में मेरा मित्र आया तो मुझे कहा नहीं ये बात सही है और इतना तो मुझे नहीं करना चाहिए, संग्रह और खाना पीना मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सब लोग न करें तो थोड़ा सा गरीबी कम भी हो सकती है, ऐसा वो मित्र ने मुझे कहा। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम किताबों की दुकान तो थी यहाँ हमारे पास गांधी विचारों की, तो मित्र जो पढ़ने फिल्म देखने के बाद में उनको कुछ ज़्यादा गांधी के बारे में जानने को मिले
इसलिए मैंने गांधी जी की आत्मकथा वहाँ जब फिल्म खत्म होने के बाद में वो जब बाहर आते थे तो मैंने वहाँ खड़े रहकर एक बोर्ड बनाया था, एक मेरे मित्र थे तो उनको कहा कि तुम पकड़ के खड़े रहो वो बोर्ड और हाथ में किताबें, और मैं फिर किताब देता था। तो हमने कहा को उस समय में गांधी जी की आत्मकथा 5 रुपये में मिलती थी, तो हम बोर्ड बना के रखा था गांधी की आत्मकथा 5 रुपये, और इंग्लिश और हिंदी गुजराती में थी उस समय, तो हम वो तीनों लैंग्वेजेस में किताबें रख कर मैं खड़े रहता था बाहर। तो छुट्टी के बाद में जो गांधी फिल्म देखने के बाद में उसमें असर होती थी, तो लोग ज़्यादा जानना चाहते थे गांधी के बारे में, तो किताबों में तो उनको मिल सकता था, तो लोग भी आके काफ़ी खरीदते थे। तो हम जो पिक्चर जब रीगल में किया वहाँ इंग्लिश में किया, और हिंदी फिल्म की मराठा मंदिर में, तो हमने हिंदी की किताबें उधर भेज दी, और गुजराती और बाकी भी लोग थे तो खरीदते थे। तो ये सिनेमा जाने के बाद में, ज़्यादा गांधी के बाद में जानना है तो क्या करें, तो गांधी की आत्मकथा थी तो लोग पढ़ते थे, उसे वो उछाल, तो इसके कारण फिर पेपर वालों ने भी मदद की कि हमारे जो हम जो प्रचार का काम करते थे वो वहाँ पर उन्होंने फोटो भी खींच कर और लोगों को बताया, जानने के लिए मिले तो उसने उन्होंने वो हमारा फोटो खींच कर पूरी हमारी स्टोरी भी बताते थे कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये होता था। तो उसके बाद फिर आपने हर गांधी जयंती पर फ्लोरा फाउंटेन पे आपने किताबों की प्रदर्शनी लगानी शुरू किया, माई राइट? हाँ, वो तो बाद में ही हमने किया, मगर उसके बाद में फिर हमने यहाँ दुकान में, यहाँ गांधी जी की जो दुकान वगैरह नहीं थी, पैसे ऑफिस थी तो ऑफिस में रख के हम करते थे, तो बाद में मैंने यहाँ से देखा कि लोग गांधी की किताबें खरीदना चाहते हैं, गांधी के बारे में थोड़ा सा जानना भी चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहता है फिल्म की इफेक्ट के कारण, तो हमने यहाँ जगह जगह पर स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। तो हम सुंदराबाई हॉल में पहला मैंने वहाँ स्टॉल लगाया, और पेपर वालों ने हमारे अच्छी पब्लिसिटी दी वहाँ, गांधी की जो किताबें थी गुजराती मराठी हिंदी में, एक नहीं थी, गांधी की कई किताबें थी, उसमें गांधी के बारे में हिस्ट्री जानने के लिए अफ्रीका में क्या किया, उनका संदेश क्या था, ये सब गांधी ने हर एक बार चीज़ों पर लिखा है, अपने कुदरती उपचारों के ऊपर भी लिखा है, सारा कुछ जो लिखते थे जितनी अवेलेबल थी कुछ किताबें, जो नवजीवन जो प्रकाशन संस्था थी उसमें काफ़ी किताबें छाप कर उन्होंने रखी थी, कहीं जाती नहीं थी, पर जब पिक्चर आया तो लोग जानना चाहते थे गांधी के बारे में, और हम इस तरह से बिक्री करते थे, तो ज़्यादा में ज़्यादा फिर गांधी की किताबों का सुंदराबाई हॉल में रखा, पेपर वालों ने हमें मदद की, हमारी जो बात नहीं थी तो देते थे समाचार, तो वहाँ पर फोटो खींच कर भी वो देते थे कि यहाँ इतनी है, तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती थी, और गांधी की किताबें उस समय तो कम थी हमारे पास, क्योंकि कोई ऐसे किताबों का कोई परिचय लोगों को नहीं था, मगर वहाँ सुंदरबाई हॉल में अच्छा हमको रिस्पांस मिला, तो जगह जगह पर फिर हम जज किया, हीरो सिनेमा में उधर उसके बाद खड़े रहकर किया, चर्च गेट में किया, वीटी स्टेशन पर किया, स्टॉल लगाया था हमने, और गांधी की जितनी किताबें थी तो वो सारी गुजराती मराठी हिंदी उर्दू में वो सब हम वहाँ बैठते थे, और लोगों का सहकार भी मिलता था, रेलवे वाले ने भी हमको चर्च गेट पर बिना पैसा लिए भरवा हम ही करके हमको वहाँ पर एक स्टॉल लगाने का भी जगह जगह टेम्परेरी किया, तो इस तरह के एक प्रचार का काम हमारा बढ़ गया, और लोगों को गांधी के बारे में ज़्यादा जानना मिला पिक्चर के कारण। तो सुमेय जी, इस पूरी प्रक्रिया में आपने अहिंसा की क्या परिभाषा का प्रचार किया? क्योंकि एक तो आपने बताया कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें अहिंसा के कारण इतनी गरीबी है और इतने लोग लाचार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, ये तो एक परिभाषा हुई, पर जो मानव मानव के बीच के तनाव और टकरार के कारण जो कई बार हिंसा होती है, तो उस संदर्भ में आप अहिंसा की क्या परिभाषा देंगे? गांधी जी ने की किताब है एक मंगल प्रभात करके, तो गांधी जी ने उसमें 11 जो वृत्त है उसके बारे में उन्होंने लिखा है, उसका नाम दिया मंगल प्रभात,
उसमें पहला चैप्टर है, गांधी ऐसा मानते थे और उनका जो था, हर एक आदमी इतना व्रतों का पालन करें, नियमों का पालन करें तो और अच्छा रहेगा। तो गांधी ने उन्हें जो बनाया था नियम उनके, तो उसमें जो आश्रम में वो लोग उसका एप्लीकेशन यानी अपने अनुभव उस तरह से थोड़ा बर्ताव करना, जिंदगी जीना वो आश्रम में सब करता था। तो गांधी जी जब जेल में थे, जेल में तब भी आश्रम के लोगों को पत्र लिखते थे, हर मंगलवार को पत्र लिखते थे और उसमें उन्होंने 11 सिद्धांत बनता है कि ये आश्रम में हम रहते हैं तो जिंदगी हमको किस तरह से रहनी चाहिए, उसका एक प्रयोग वहाँ करते थे। तो उसमें क्या नियमों का पालन करना, ये गांधी ने फिर उनको लिख के बताया और हमें ही कर दिया। और उसका गांधी का जो मंगल प्रभात किताब है उसमें सत्य भी क्या हुआ है, तो सत्य का मतलब होता है कि अहिंसा, अहिंसा और सत्य, सत्य में से कोई फर्क नहीं है। तो अहिंसा क्या चीज है, अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं, उसको जानवरों को नहीं मारना, कि दूसरे किसको नहीं करता वो नहीं मारना, ये सिर्फ हिंसा नहीं है। हिंसा हम जो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं तो वो भी हिंसा हो जाती है। हम ज़्यादा पैसा रखते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल वस्तुओं को करते हैं तो वो भी हिंसा हो जाती है। गांधी की दृष्टि से जरूरत से ज़्यादा जो भी काम हम करते हैं, बोलने से लेके अनुभव करने, कपड़ा पहनने से, खाने पीने से, जरूरत से ज़्यादा और जरूरत नहीं है उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो गांधी की दृष्टि से, गांधी ने का जो बताया गांधी का, वो भी हिंसा है। क्योंकि कई लोगों को फिर नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए गरीबों को नहीं मिलता है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बराबर नहीं है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो पैसा कहाँ से है, एक्सप्लोटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, तब उनके पास इतना पैसा आता है, इसलिए गरीबी भी बढ़ती जाती है। हमारे जो सरकारें हैं, हमारे जो नियम हैं, तो और हमारा जो खुद का जो ज्ञान बहुत कम है कि हिंसा के मतलब क्या होता है। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि जानवरों को मारे, हम सत्य कुछ झूठ बोलते हैं, जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मेहनत नहीं करते हैं और जो खाते भी हैं हम, तो ये सारी चीज़ें वो गांधी की जीवनी में तो और भी उसमें अहिंसा का जो मंगल प्रभात किताब है ये, तो ये किताब सबको पढ़नी चाहिए। इसके ऊपर जो गांधी ने 11 व्रतों पर दिया है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, समानता, ये सब चीज़ों में गांधी ने 11 व्रतों में जो दिया है। हमारे यहाँ उस वक्त में हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो हमेशा हिंदुओं को और मुस्लिमों को बांटने का काम करती थी, ज़्यादा में ज़्यादा हो उसको। तो मुस्लिम लीग बनी उसमें से, फिर उसमें से पाकिस्तान बना और ये सारा कुछ होते गया। पर जो बाकी के लोग जो मुसलमान लोग थे तो यहाँ इंडिया में थे, तो हमारे जो कुछ संगठन हैं हमारे देश में वो हिंदुओं का संगठन है, वो बोलते हैं कि नहीं हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है। हमारे यहाँ तो जो मुसलमान भाई लोग थे तो वो तो यहाँ ही पैदा हुए थे सालों से, उनके बाप दादा भी हिंदू ही थे, हिंदू में से फिर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए और वो यहाँ भी थे। तो ये हमारा जो देश है ये सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है, वो जो मुसलमान धर्म पाढ़ते हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म पाढ़ते हैं, कोई अन्य धर्म का बौद्ध का पाढ़ते हैं, जैनों का है, वो सब लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। तो मुस्लिम भी अपना धर्म मानते थे, तो इसका मतलब नहीं है कि वो देशद्रोही है या हमारे देश के नहीं है। मगर कुछ हिंदू संगठन वाले जो ज़्यादा वो जिसको हिंदू हिंदू कहते हैं, वो उनको लगा कि नहीं ये हिंदुओं का है, वो मुसलमान क्रिश्चियन भाई वगैरह के तो बाहर के हैं, मगर वो तो पैदा ही यहाँ हुए थे, उनके पहले से करके लिया था, तो इसलिए नहीं होना चाहिए। तो गांधी ने तो देखा कि मुस्लिमों की हत्या हो रही है और दिल्ली में सारे देश में भर में, तो उन्होंने उनको लगा कि अच्छा नहीं है, मानो हम रहे सब हिंदुस्तान में जो भी रहते हैं वो मानव हैं, हमारे भाई हैं और देश भर में नहीं दुनिया भर के लोग भी हमारे भाई हुए, ठीक है हिंदुस्तान में। तो कोई आदमी अपने धर्म में धर्म को मानता है तो हमको कोई इतराज नहीं होना चाहिए, वो कोई अलग देश के लोग नहीं हैं, हमारे पर कोई कब्जा किया है जैसे अंग्रेजों ने किया था वैसा तो नहीं था। तो मुसलमान लोग भी यहाँ थे तो बोलता पाकिस्तान बना,
तो मुस्लिम लोग सब उधर चले गया। अरे बाप दादा से जमाने में यहाँ थे, यहाँ उनकी खेती है, धर्म कोई भी कोई किसका बने, तो हमको क्या है? जैसे व्यापार हम करते हैं, क्या करना, कोई भी व्यापार करना है तो कर सकते हैं, वो सब हम स्वतंत्रता है। तो धर्म भी अपना जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान में जो पैदा हुए हैं उनको तो यहाँ रहने का अधिकार भी होना चाहिए, और है हमारे पास, और गवर्नमेंट के नियमों में भी ये नहीं है, वो सब लोग यहाँ रहे। मैं कुछ हिंदू संगठनों के बारे, तो गांधी जी ने देखा कि मुस्लिमों की हत्या हो रही है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने उपवास किया। ठीक है, गांधी ने तो और क्या करे, और गांधी ने उपवास इसलिए नहीं किया, गांधी उपवास जब करते थे तो अपना दुख होता था, इसलिए उपवास करते थे। इसका बाकी कि भाई इतना लोगों को काटते हैं मारते हैं, तो गांधी को जो दुख होता था इसलिए उपवास किया। उपवास इसलिए नहीं किया कि वो लोग छोड़ दे, उनको उनको मुसलमानों को मारने का काम है, वो छोड़े कि ना छोड़े उनका अलग बात है, गांधी को दुख हुआ इसलिए उपवास किया। तो जब गांधी उपवास करते थे तो लोगों को लगा कि नहीं ये गलत चीज है, तो फिर गांधी के पास गए और उनका उपवास छोड़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सारा जो धर्मगुरु थे नेता लोग थे वो सब गए और गांधी को कहा कि नहीं हम हिंसा नहीं करेंगे, यहाँ सब लोग रह सकते हैं, और इसलिए गांधी ने उपवास को छोड़ा। मगर कुछ हिंदू संगठन वाले को लगा कि नहीं ये गांधी हमारा हिंदुओं को जो राज होना चाहिए ये नहीं करने देते, गांधी रहता है तो नहीं है और सब शांति में फैल जाता है, फिर हमारे जो लोगों को भगा देने का पाकिस्तान बना था, मुस्लिमों को भगा देना चाहिए। अरे मुस्लिम धर्म है पर यहाँ पर पैदा हुए हैं ना, तो इसका इनको रहने के अधिकार है, धर्म कोई भी हो, जैन लोग जैसे करते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, क्रिश्चियन रहे, तो मुस्लिम भी यहाँ रह सकते हैं। तो ये गांधी का मानना था तो नहीं था, इसलिए कुछ हिंदू संगठन वालों ने देखा कि भाई ये गांधी जब तक जिंदा रहेगा तब तक हमको हिंदू राष्ट्र बनाने को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया, गांधी को मारने की कोशिश करने लगे। उसके पहले भी गांधी की मारने की कोशिश कई बार हुई थी, मगर गांधी बच जाते थे, वो फिर नहीं हो पाता था। मगर जब यहाँ पर अभी जो राइट्स हुए उसमें तो गांधी जी हम आज़ाद भी हुए थे, और गांधी उपवास करके वो सारा राइट्स जो मुसलमानों को भगाने का जो करते थे तो नहीं हुआ। इसके लिए कुछ हिंदू संगठनों को लगा कि नहीं ये गांधी जिंदा है उसको मार देना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश अपना शुरू की। पहले तो जो 30 जनवरी के पहले गांधी जी रोज शाम को प्रार्थना होने के बाद में प्रवचन करते थे, तो जब वहाँ दिल्ली में बिरला हाउस में गांधी जी हमेशा वो प्रार्थना करते थे और फिर बाद में लेक्चर देते थे, तो उनको लगा कि जब गांधी और नहीं तो सारा दिन तो कमरे में रहते हैं, लोगों के आसपास रहते हैं लोग, इसलिए मार नहीं सकते थे, तो फिर उनको लगा जब प्रार्थना करते हैं गांधी अकेले बैठे हैं तब उनको मार सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो बिरला भवन था, बिरला भवन में फैंस को क्या उसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने दीवार खड़ी कर दी थी बाबा ये अपना फैंस की फैंस में, जो कोई अंदर ना आ जाए इसके लिए। उन्होंने दूसरे साइड से गांधी जी यहाँ प्रार्थना करते थे, उधर बाहर से उन्होंने बम गांधी के ऊपर फेंकने की कोशिश की, पर उधर कुछ हुआ नहीं, गांधी के ऊपर नहीं और साइड में पड़ गए, लोग घबरा गए, उठ के कर गए, तो गांधी ने खाली नाक पर हाथ रख के कहा ऐसे बैठ जाइए, तो सब बैठ गए और फिर कुछ नहीं किया। जब उनको लगा कि इस तरह से हम गांधी को नहीं मार सकेंगे तो फिर क्या करें, तो फिर आखिर में कुछ जो 8-10 लोग थे जो ज़्यादा हिंदुत्व वाली थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये इस तरह से हम नहीं मारते, तो हमको उसको मारना है तो गोली से जाके ही मारना पड़ेगा। तो फिर इसी में से कौन तैयार हुआ, तो फिर वो गुड़से था और मदन लाल थे, ऐसे 4-5 लोगों ने थे, अब सब करके किया, पर गोड़से ने हिम्मत की वो पिस्तौल लिया है और फिर उसको लगा कि नहीं मुझे गांधी को मारना है। और गांधी ने जब उनके ऊपर वो जो बॉम्ब डाला था और बच गए गांधी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने वहाँ उनके आजू बाजू में CID और पुलिस का रक्षण करने के लिए और आशा जहाँ देते बिल्ला उसमें उधर भी उन्होंने लगाया, तो गांधी ने कहा कि नहीं मुझे किसी का रक्षण की जरूरत नहीं है, पुलिस वालों को भगा दिया
कि आप बाहर जाओ, जो करना है करो, और मुझे ईश्वर रक्षण करेगा, मुझे कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, मेरे आसपास कोई पुलिस वाले रहे और मुझे बचाने की कोशिश करे, ये मैं पसंद नहीं करूँ। जो ईश्वर करेगा उसकी मर्जी से करेगा। तो आप लोग इधर नहीं आए, उनको सबको चले जाने को कहा, वो लोग सब चले गए। तो गांधी अकेले थे, तो उन्होंने जब गुड़से है वो तो हिम्मत की उसने, तो मैं गांधी को जब प्रार्थना करने आते हैं बाहर तब मैं मार सकता हूँ। तो उसने हिम्मत की और पिस्तौल लेकर आया था। और फिर गांधी जब प्रार्थना से बाहर आए थे और प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तो बीच में खड़ा रह के वो उसने नमन करके गांधी को पिस्तौल निकाल कर उन्होंने मार दिया। इस तरह से गांधी की हत्या हुई और ये हिंदू संगठन वालों ने, मगर बाद में तो फिर कानून के हिसाब से उनको सजा भी हुई जी, पर अगर गांधी होते तो उनको माफ कर देते जी। गांधी परिवार जनों ने तो माफी मांगने का प्रयास भी किया कि उनको कम से कम उनको फांसी ना हो, ये पूरे गांधी परिवार जनों ने गांधी के ये अपील की थी, लेकिन वो सुनी नहीं गई। पर सुमेर जी, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि जिस दिन ये हादसा हुआ कि हिंसा जीती और अहिंसा हारी, आप इसके बारे में कुछ अपना विचार रखिए कि उस दिन क्या हिंसा जीती कि अहिंसा जीती? हम लोग जो हिंसा और अहिंसा का सिर्फ मारने का, किसी को मार देते हैं वो हिंसा अहिंसा नहीं है, हम असत्य बोलते हैं वो हिंसा है। हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो भी हिंसा है, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज रखते हैं हम हमारे पास तो भी हिंसा है। तो हिंसा का इतना उपयोग नहीं है कि सिर्फ हम मारते हैं एक दूसरे को उसमें से बच जाए उसको हिंसा अहिंसा नहीं, ये भी हिंसा का एक पार्ट है, ऐसा गांधी जी मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी जरूरत है उतनी चीज़ों का इस्तेमाल करें, उतना हम रखें और सबको मिलना चाहिए। इस पृथ्वी में जैसे हवा पानी और प्रकाश जैसे मिलता है, तो बाकी के जो हमारी जो व्यवस्था है, तो खाना पीना रहना और सारा अधिक बाकी की जो जरूरत है हमारी, ये सबको मिलना चाहिए। इसके लिए कोई गरीब रहे और ये सबका रहे तो उतना को ज़्यादा इस्तेमाल करे तो ये हिंसा ही है। तो गांधी की दृष्टि से इस तरह से हिंसा में मानते थे, इसलिए वो जरूरत से ज़्यादा कोई चीज़ों का इस्तेमाल न करे। और आश्रम में भी वही प्रयोग होता था, और गांधी वालों ने ज़्यादातर 100% तो नहीं कहे, पर कुछ ऐसे ही लोग हैं जो गांधी के फॉलोअर थे, वो सिंपल रहना, खादी पहनना, गरीबों को लिए मदद करना, आपको इस तरह का एक काम करना जिसके कारण चरखा चलाया, खादी बनाए जिसके कारण लोगों को रोजी रोटी भी मिले। गांधी ने कई कार्यक्रम ऐसे करते रहे जी। और तो इसको कहते हैं हिंसा का मर्थ सिर्फ मारना है, किसी को ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समीर जी, आपने नौजवानों के साथ खूब काम किया, कॉलेजेस के साथ मिलकर, मुझे याद है आप कितनी बार हर साल, मतलब आप ये हिरोशिमा डे पे एक मार्च निकालते हैं नौजवानों की एटॉमिक बॉम्ब्स और युद्ध के खिलाफ। तो ये जो नौजवानों के साथ आपने इतना काम किया, उसमें से आज के नौजवानों के बारे में आपकी क्या रीडिंग है? मतलब नौजवान भी आज की तारीख में जो सारी परिभाषा आपने बताई, उस प्रकार से नौजवान अहिंसा के तरफ प्रेरित होते हैं? मैंने करीब करीब 25 साल ऐसे कैंप कर दे रहा, तो जिसके कारण लोगों में जो गांधी विचारों के दृष्टि से, हम कुछ इसमें से कुछ बच्चे हैं ना, तो वो तो विद्यार्थी थे, थोड़ा सा उसमें उस जमाने में कुछ करने, बच्चे जो रहते हैं तो कुछ सीखने को भी ज़्यादा सीखते, और बचपन में जब वो रहती है तो हिम्मत भी रहती है तो मुझे भी ये करना चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है वो सब जाने, इसीलिए हमने कैंप शुरू किए। उस कैंप में हमारा जो गांधी जी का जो सिद्धांत था, उस हिसाब से रहने का, खाने पीने का और काम भी करने का, इस तरह के एक कार्यक्रम हमारा 10 दिन 8 दिन का शिविर रहता था। तो उसमें था सुबह 5 बजे उठने का, प्रार्थना करने की, फिर बाद में जो भी कुछ कार्यक्रम रहते थे, काम जो रहते थे, हमारा खुद जो काम करते हैं वो हम दूसरों को नौकर रख के, मंगी जिसको कहते थे हम उस जमाने में,
कि भाई संडा साहब तो वो ही करे, हम तो न करें। तो ये गांधी का रास्ता नहीं था। गांधी का था कि हर काम हमको करना चाहिए, जो हमें जरूरत है उतना काम हम जितना कर सके उतना करें, जितना किसी की मदद लेना है तो करें। और ये जाति भेद जैसा नहीं होना, वो जैसे ये जो बंगी है, हम ये है, मैं ब्राह्मण हूँ, ये नहीं होना चाहिए। तो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन पारसी जो भी कुछ आते हैं शिविरों में, तो सब मिलकर हम लोग काम करते थे। और गांधी जी ये भी मानते थे कि श्रमदान सबको करना चाहिए। श्रमदान का मतलब है कि काम हमको फिजिकल भी काम करना चाहिए, बैठे सिर्फ बुद्धि से काम करते हम भी नहीं चलना चाहिए। तो गांधी के आश्रम में भी यही था, सब लोगों को कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़े। तो सुबह उठकर फिर हम सफाई का काम आया, सब्जियाँ कोई काटता था, कोई रास्ते में करता था, कोई संडा सफाई करता था, बाथरूम सफाई करते थे। इसलिए सफाई कार्यक्रम हम सुबह एक घंटा रखते थे, जो घर में बच्चे कभी खुद नहीं करते थे, नौकर वहाँ करता था या तो माँ या बाप करते थे सब। और फिर लड़कियाँ और लड़कों में भी भेद होता था, तो लड़का लड़कियों के दोनों की कॉमन हम करते थे। जो लड़कियों का काम था वो हम, और पुरुषों का जो मानते थे कि पुरुषों का काम है लड़कियों का काम नहीं है, तो लड़कियां पुरुषों का काम करती थी। और पुरुष ये जो ये मानते थे कि ये तो लड़कियां सब्जियाँ काटना, ये साफ सुफी का काम करना है, ये लेडीजों का काम है, तो ये सब हम विद्यार्थियों से पुरुषों से पुरुष विद्यार्थियों से यानी यंगस्टरों से करके हम करते थे। तो कोई भी जाना था सुबह वहाँ भी रहने में भी, और स्त्री पुरुष समानता के दृष्टि से हम सारे जितने हो सके थे उतना हम कार्यक्रम करते थे। तो आपस में काफ़ी इससे काफ़ी मुझे कार्यकर्ता भी मिले जो आज काम कर रहे हैं, और वो भी शिविरों का शिविर करते हैं आज भी। उसमें से कई जो कार्यकर्ता बने हैं वो फुल टाइम कार्यकर्ता जैसे मैं हूँ ऐसा वो भी बने हैं, और वो कार्यक्रम भी करते हैं। तो इतना अच्छा हमको मिला। जी जी, तो जो जेल में रहने वाले प्रिजनर्स के साथ आपने गांधी विचार और अहिंसा का काम किया, वो कैसे शुरू हुआ, वो आइडिया आपको कैसे आया, और उस काम के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, जेलों में हम जो जीव गुनेगार रहते थे, ऐसा हमारा ये है कि जेल में गुनेगार रहते हैं, मगर वो गुनेगार क्यों बने, उसका कारण क्या है। वो जो गांधी ने कहा था कि असमानता है, दूसरा कुछ कारण हो, कभी आदमी क्रोध में आ जाता है तो कोई हिंसा कर बैठता है, और वो बाकी के लोग भी जो रहते हैं चोरी करते हैं, ये करते हैं। चोरी भी क्यों करते हैं, क्योंकि उनको खाना पीना रहने की व्यवस्था अच्छा नहीं मिलती है, इसलिए भी होता है। तो जेलों में जो अपराध करके जो गए हैं तो वो थोड़ा सा प्रायश्चित भी करे कि जो हमने अपराध किया है वो ठीक नहीं है, और थोड़ा सा प्रायश्चित करेंगे, सजा मिलती है तो उनको बड़ा टेंशन रहता है, मगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है ये महसूस हो तो फिर उसको सजा भुगतने के लिए भी होना है। जैसे गांधी जी सत्य बोलना है तो सत्य बोलते हैं, और कुछ गुनाह हो गया तो हमको गुनाह भी कबूल करना चाहिए कि ये नहीं, यहाँ मेरी गलती हुई तो मुझे उसकी पनिशमेंट, मुझे भी उसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारा सबका ये अनु करना चाहिए, सत्य कैसे हो तो उसका पालन करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में हम जब काम करते थे तब फिर से वो गांधी जी की इनडायरेक्टली बात, गांधी गांधी करके आपको पूरा दिन ही करते, पर वही हिसाब से उसको मेहनत भी करवाते थे खुद का काम। और कई बच्चे तो कभी अपना कपड़ा धोना का भी नहीं सीखे थे, वहाँ उनको कपड़ा धोना, संडा साफ करवाना, खुद का काम खुद करने का, तो ये सारा काम थोड़ा सा सिखाते थे, और उसके ऊपर अपनी लेक्चर भी लगती थी, और शाम को खेल कूद भी होती थी, तो बच्चों को काफ़ी आनंद होता था। और लड़कियों के साथ में लड़के और लड़कियों के बीच में काफ़ी मतभेद था, हम बिठाते थे तब भी एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, वो लड़कों को लड़कियाँ डरे और लड़कियाँ अलग और लड़के अलग, ये नहीं होना थी। तो स्त्री पुरुष समानता में हम मानते हैं, तो ठीक है अभी न्याय नहीं है। बहुत जब कैंप में आते हैं बच्चे तब तो काफ़ी अच्छी लड़कियों से दोस्ती भी होती है, कोई इस तरह से गलत काम लड़कियों को देके सीटी मारने का, कुछ बताने का, कुछ बोलने का, ये सब नहीं हुआ। तो अपने घरों में भी अपनी बहन माँ बहन है उनको भी काम में मदद फिर बाद में जाके करते थे, और जो बदम, तो इस तरह से एक अच्छा वातावरण और विचार का प्रचार होता था
बचपन के बच्चों बच्चों में, इसलिए हम शिविर किए, उसके कारण कई हमें कार्यकर्ता भी मिले। बहुत खूब सर। तो ये जो आपने इंटरनेट जनरेशन में भी आपने प्रवेश बहुत जल्द कर लिया, क्योंकि पहले आप केवल पुस्तकों का काम करते थे, फिर जब इंटरनेट आया और ये व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया आया, तो आपने info@mkgandhi.org जो है उसको आपने लॉन्च किया। तो उसकी मैं भी उसके मैसेज मुझे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है उन मैसेजेस का। तो ये कितने लोगों को आपका ये न्यूज़लेटर और ये सर्विस जाता है इंटरनेट पे? मैं तो कोई ऐसा इंटरनेट क्या चीज़ है मुझे भी मालूम नहीं था, तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि तुम जो गांधी का प्रचार कर रहे हो वो इंटरनेट थ्रू तुम करो। तो मैंने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो बोला हम आपको मदद करेंगे, आप खाली। तो पहले तो मैंने, मेरे पास कंप्यूटर तो नहीं था, तो बाहर जो कंप्यूटर वाला था तो उसको देना, तो उसमें से मेरे पास तो गांधी की किताबें थी, जो मुख्य मुख्य थी किताबें, तो उसको मैंने लॉन्च करने में और अपने वेबसाइट का नाम mkgandhi.org दिया। तो उसमें थोड़ा सा तो मुझे भी कुछ उसका मालूम नहीं था, हमारे पास किताबें तो काफ़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि गांधी की किताबें जितनी भी अवेलेबल है, क्योंकि हम मुंबई में ये किताबें सब जगह सब इजीली अवेलेबल नहीं है, सब जगह पर किताबें नहीं मिलती है, तो मैंने कहा इंटरनेट थ्रू तो जितना ज़्यादा मैं लोगों को भी मिल सके तो उतना अच्छा है। गांधी का विचार, गांधी के बारे में, गांधी ने कैसा दिया, कहीं गलत फहमियाँ भी है तो उसको भी दूर करने में हमको मदद हो जाए। और वो इंग्लिश में है, तो हमने शुरुआत तो इंग्लिश में की, क्योंकि हिंदी में कुछ हमारे पास टाइपिंग वगैरह करने में और किताबें भी करने की, तो हमने mkgandhi.org पर शुरुआत में कुछ किताबें रखना, तो किताबें को टाइप करके रखने का हमने शुरू कर दिया mkgandhi.org पर। तो मुझे लगा कि देखेंगे कितना वो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। तो शुरू में तो हमने किया, तो लोगों को मालूम तो नहीं था सर्च करने में नहीं, और उस समय पर फिर भी हमको थोड़े लोग, कुछ लोग आते थे उस पर, हमको हिंट मिलती थी नीचे कि आज कितने लोगों ने देखा, क्या क्या देखा, तो ये सारा कुछ हमको फीडबैक मिलता था। तो देखा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था, तो हमने वेबसाइट शुरू की धीरे धीरे धीरे। पहले तो इंग्लिश में था, तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान और इंग्लिश के 10-15 कंट्रीज है, उनको ये सब गांधी के बारे में जानना मिलेगा। मगर हमने देखा अभी धीरे 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 करके जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, और गूगल्स में हम कुछ भी ट्रांसलेशन करना हो इंग्लिश का, वो गुजराती, हिंदी, मराठी और बाद में चाइनीज, जापनीज, सर कोरियन लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, उसमें जो ट्रांसलेशन करना चाहिए तो गूगल शो करता है। तो धीरे धीरे हमारा जब गूगल्स ने ये शुरू कर दिया, तो दुनिया भर के जो लोग इंग्लिश नहीं जानते थे उनको भी जब गांधी के बारे में जानना चाहते थे तो उनको अपनी लैंग्वेज इसमें गूगल ट्रांसलेशन करके देता है। तो धीरे धीरे जब लोगों को मैं ख्याल आते गए, और यूएन में 194 रजिस्टर कंट्रीज रजिस्टर किया है, मगर हमारी वेबसाइट पर जब हमको स्टेटिस मिलता है तो 202 कंट्रीज के लोगों ने, अलग अलग जो कंट्रीज में से कौन कितने देखा, कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, वो सब हमको शेयरिंग मिलता है। तो 202 कंट्रीज में से लोगों को लोग आते हैं और गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, डाउनलोड करते हैं या तो पढ़ते भी है। तो इसलिए गांधी विचारों का जो प्रचार है, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा, समानता जो है, उनके बारे में गांधी ने सिर्फ बात नहीं की, लेक्चर नहीं दिया, गांधी ने एक भी शब्द अपने जीवन में आचरण में नहीं लाए थे, ऐसा एक शब्द भी नहीं बोला बाहर। जब आचरण में आ जाता है तब फिर गांधी कहते थे देखो मैंने ये आचरण में लिख रहा हूँ और आप भी ये कर सकते हो, मैं सामान्य आदमी हूँ। लोग कहते गांधी आप बहुत बड़े हैं, आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तो गांधी ने कहा ना, मैं भी आपके जितना ही हूँ, सब आदमी समान है, पर मैंने ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया, सत्य, अहिंसा, प्रेम को अपने जीवन में आचरण में लेकर आया, इसलिए लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। तो आप भी ये करेंगे तो
तो आपके लिए भी खुद के लिए अच्छा है, मैंने जो किया खुद के लिए किया, मगर उसके प्रचार के कारण अगर मुझे इतना इज्जत मिलती है तो आपको भी इतना भी इज्जत मिलेगी, तो आप भी ये कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट पर आज हमको बहुत ये है कि गांधी विचारों का प्रचार करने में हमको 202 कंट्रीज में, जो कोई भी लैंग्वेज में होता है तो ये होता है, तो वहाँ से भी एक छोटा सा अभी 194 कंट्री रजिस्टर है, बाकी के छोटे छोटे जो देश है, छोटे को आइलैंड में होंगे कि कुछ होंगे, तो वो रजिस्टर नहीं किया है यूनो में अपना नाम, और वो जाते भी नहीं है, तो मगर वो गांधी को जरूर देखते हैं। हमारी वेबसाइट पर से उनको टर्म में जो कुछ डाउनलोड करना है या तो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, तो हमारी वेबसाइट इतनी अच्छी करती है गांधी विचारों का प्रचार। तो गांधी बुक शॉप में हम जब किताबें बेचते हैं तो सब बम्बई के लोग लेके जाते, फिर जब हमने वेबसाइट पर रख दिया तो फिर हिंदुस्तान भर से और फॉरेन से भी कभी कभी हमको ऑर्डर आते हैं कि भाई हमको ये किताबें आप भेज दो, और हिंदुस्तान में तो सारे का जो इंग्लिश जाने वाले लोग हैं वो भी ऑर्डर करते हैं और मिलती है। हमने थोड़ा सा फिर हिंदी में भी वेबसाइट शुरू की है, और अभी उस पर तो थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि हिंदी में जो कंप्यूटर वाले लोग हैं वो हिंदी का नहीं जानते हैं, वो इंग्लिश जानते हैं, तो अभी इस तरह से गांधी का विचारों का प्रचार सिर्फ दुकान में नहीं विश्व भर में भी इंटरनेट थ्रू हो रहा है। तो सरमल जी, समापन के तौर पर इस हमारी इस बातचीत के क्लोज में नौजवानों को आज आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे आपने कहा है कि हम ये दुनिया जो है एक किस्म से बहुत अंधकार के दौर से गुजर रही है, तो उसमें जो नौजवान इस अंधकार में रोशनी के दिए जलाना चाहते हैं वो कैसे अपना आत्मबल बढ़ाएं, और उनको आप क्या प्रेरणा दें? नहीं, ये कंप्यूटर जो है ज़्यादा करके नौजवान लोग ही चलाते हैं, और उसमें एजेड लोग होते हैं तो नहीं चलाते हैं, और या तो गरीब आदमी हो गए जिसको टाइम नहीं है तो नहीं है, मगर जो गांधी के बारे में या जानना चाहते हैं, गांधी का नाम जो जानते हैं, तो उनको कभी कभी ऐसा लगता है, जो बच्चे भी हो या बड़े भी हो, तो जनरली कंप्यूटर यंगस्टर ही चलाते हैं, 35-40 साल के नीचे के जो लोग हैं वही चलाते हैं, और हमने वो बच्चों छोटे बच्चों के लिए 5 साल से 10 साल तक के बच्चों के लिए भी किताबें हमारे पास आई, वो भी हमने वेबसाइट पर रख दी है, तो कभी कभी जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में उनको माता पिता वो उसमें देख कर वो उनको सिखाते हैं, हम बच्चों के लिए छोटी स्टोरियाँ भी रखी है, तो माता पिता जो बोल कर भी बच्चों को बता सके, यानी हर एज के ग्रुप लीडर ग्रुप को गांधी जी के बारे में जानना हो तो 5 साल से ऊपर का 6 साल का बच्चा होगा शायद, वो माता पिता को पढ़ के उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे भी हमको आता है ईमेल वगैरह कि आपकी वेबसाइट अच्छी है, हम बच्चों को इसमें से सिखाते हैं, ऐसे हमको ये भी मिलता है, रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो ये हर जगह, मगर ये सब इंग्लिश वाले लोगों के लिए है। हिंदी का हमने वेबसाइट शुरू किया है, हमने देखा है कि वो हिंदी वेबसाइट पर लोग नहीं आते ज़्यादा, फिर भी हमने रखने की कोशिश की है कि भाई कभी न कभी वो करे, और मैं तो चाहता हूँ कि सारे हिंदुस्तान भर में की जो लैंग्वेजेस है और वर्ल्ड की भी जो लैंग्वेजेस है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, उसको ट्रांसलेशन करके गूगल दे देता है, उसको ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान की जो बाकी जो भाषाएँ हैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकती है, वेबसाइट थ्रू हम नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ होना चाहिए, ऐसा मैं मानता, मगर हमारी शक्ति नहीं है कि हम ज़्यादा करें, मगर हमने हिंदी में भी रखा है, मैं तो चाहता था कि सब भाषाओं में हो, मगर इस तरह के लोग मुझे नहीं मिलते हैं, तो प्रदेश के लोग हैं वो अपना वेबसाइट चलाए और अपनी लैंग्वेजेस में दे, आगे जाके शायद किसको प्रेरणा मिले और कोई करे तो हो सकता है कि सब भाषाओं में हिंदुस्तान की अपनी अपनी वेबसाइट गांधी में मिले। गांधी का मतलब ये गांधी जी की पर्सनल लाइफ, उनके बेटे क्या है, उनके वाइफ ने क्या किया वो नहीं है, गांधी विचार है, गांधी पर्सनली मुझे उसके बारे में कोई नहीं जानना चाहे, उसका क्या लड़के है क्या लड़के करते नहीं है,
उससे ज़्यादा जो उनके विचार है जो इम्प्लीमेंट किए हैं, जो हर एक आदमी को करना चाहिए और सत्य और अहिंसा पर जिसको जीने की इच्छा होती है, तो ये गांधी के बारे में सीखना चाहें या प्रयोग करना चाहें कि गांधी ने क्या किया था, क्यों किया था, तो ये सब जानकारी मिल सकती है। इसलिए वेबसाइट का अच्छा उपयोग हो सकता है और करते भी हैं लोग, तो हमको खुशी है कि चलो भाई हम गांधी विचारों का प्रचार यानी सत्य अहिंसा प्रेम करुणा समानता स्वतंत्रता ये जो है, तो ये वो गांधी के ये 11 व्रत है उसके ऊपर भी लोग जिए, तो ये सबको जीना भी चाहिए। सब लोग कबूल भी करते हैं मगर हिम्मत नहीं है, तो गांधी ने हिम्मत करके बताया है इट इज पॉसिबल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।